वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। देश में तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 15,712, एक्टिव मामले 12,900 से ऊपर। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 507, अब तक 2,015 लोग संक्रमण से हुए ठीक। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 991 मरीज आए सामने, 24 घंटे में 43 लोगों की मौत। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा बुजुर्गों पर, संक्रमण में होने वाली मौत में 73.3% 60 साल से ज्यादा के बुजुर्ग। मरकज ने बढ़ाई कोरोना से लड़ाई में परेशानी, अब तक 23 राज्यों में कोरोना संक्रमित जमा दिए। 23 राज्यों के 47 जिलों में पिछले 14 दिन में नहीं मिला कोरोना का कोई मरीज, 3 जिलों में 14 दिन बाद कोरोना की वापसी। लॉकडाउन का दिख रहा है असर, पुडुचेरी और कर्नाटक के कुडुगु जिले में 28 दिनों में कोरोना का कोई संक्रमण नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 969 हुई, अब तक 14 लोगों की गई जान, 82 लोग बैठी। 24 घंटे में कोरोना के 125 नए मरीज, इनमें से 78 का जमात से सफर। यूपी सरकार ने प्रदेश के 41 जिलों की स्थिति को बताया संतोषजनक, कोरोना के मामले नहीं रुके तो और बढ़ेगी सख्ती। यूपी के कुल 6 जिले कोरोना मुक्त, प्रयागराज के अलावा पीलीभीत, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी और हाथरस। यूपी में 1,025 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया, 10,814 लोग हैं क्वारंटीन। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण, अब तक 3,648 लोग बीमार, 201 लोगों की गई जान, 331 लोग हुए ठीक। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 328 नए मामले आए सामने, 31 लोग कोरोना से हुए ठीक, 7 की गई जान। दिल्ली सरकार के अस्पताल में कल से ओपीडी की सेवा सामान्य, ये ओपीडी कोरोना से अलग बीमारियों के लिए। गाजियाबाद का इस्लाम नगर कोरोना हॉटस्पॉट घोषित, महिला की पीड़ित पाए जाने के बाद इलाका सील। दिल्ली के बसंत कुंज के 2 इलाकों में पुलिस वालों पर बरसाए गए फूल, लॉकडाउन के दौरान निभाई बेहतरीन भूमिका। फरीदाबाद में पीएम केयर्स में दान का पब्लिसिटी स्टंट, सोशल मीडिया पर 50 लाख का चेक जारी करने वाले युवक पर मामला दर्ज। कोटा से छात्रों को लेकर प्रयागराज पहुंची बस, अलग अलग गेस्ट हाउस में रखकर की जाएगी सेहत की जांच। कोरोना मुक्त हुआ प्रयागराज, यहां महामारी का एक भी मरीज नहीं। रहा है कोरोना का संक्रमण, अब तक 1,893 लोगों को कोरोना संक्रमण, 42 की गई जान, 72 लोग हुए ठीक। दिल्ली में 42 लोगों की गई जान, 72 लोग ठीक। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कोरोना का अटैक है, एक ही परिवार के 26 लोग कोरोना संक्रमित। दिल्ली में कोरोना को रोकने की मुहिम तेज, हॉटस्पॉट बढ़ाकर किए गए 71। दिल्ली के सिविल लाइंस के ओबेरॉय अपार्टमेंट को बनाया गया कंटेनमेंट जोन, परिवार और घर में काम करने वालों समेत कोरोना के 8 मरीज। दिल्ली के हॉटस्पॉट जाकिर नगर से इकट्ठा किए गए सैंपल, करीब 50 सैंपल लिए गए। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में फंसा जर्मन जोड़ा, एयरपोर्ट को ही बनाया बसेरा। दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं के मकबरे को किया गया रोशन, वर्ल्ड हेरिटेज डे पर कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में दिए जले। दिल्ली में लॉकडाउन से ऑटो चलाने वालों की बड़ी मुश्किलें, 2 वक्त की रोजी रोटी पर आफत। केजरीवाल का बयान, ड्यूटी के दौरान पुलिस शिक्षक और सिविल सोसाइटी के वॉलंटियर्स की मौत हुई तो परिजनों को मिलेगा मुआवजा। केरल में कोरोना की रफ्तार पर लगी ब्रेक, अब तक 400 लोगों में कोरोना का संक्रमण, 255 मरीज हुए ठीक, 3 की गई जान। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर, सिर्फ 24 घंटे में 12 लोगों की गई जान, अब तक 1,407 मरीज, 70 लोगों की मौत। 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 2 मरीज मिले, 127 लोग अब तक हुए ठीक। राजस्थान में बीमारों का आंकड़ा पहुंचा 1,351 तक, 183 लोग हुए ठीक, 11 की मौत।
गुजरात में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1376, 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना से अब तक 53 लोगों की मौत, 98 लोगों ने कोरोना से जीती जान। तमिलनाडु में भी नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण, अब तक 1372 लोग बीमार, 365 लोग हुए ठीक, 15 की गई जान। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 85, 2 लोगों की मौत, अब तक 37 लोग हुए स्वस्थ। हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 225, पंजाब में 16 नए मरीज सामने आने के बाद आंकड़ा हुआ 202। लखनऊ का अडालगंज कोरोना हॉटस्पॉट घोषित, प्रशासन ने चलाया सैनिटाइजेशन अभियान। रांची में 17 विदेशी समेत 18 जमातियों को भेजा गया जेल, टूरिस्ट वीजा पर कर रहे थे धर्म का प्रचार। कानपुर में लॉकडाउन के बीच घूमते लोगों पर बरसी लाठी, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कानपुर के किदवई नगर पार्क में हर शाम इकट्ठा होते थे युवक, ग्रुप में बना रहे थे टिकटॉक वीडियो। रात 9 बजे कानपुर के गीता पार्क में भी पुलिस ने बोला धावा, युवकों के द्वारा। कोटा में फंसे छात्रों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री का बयान, यूपी की तरह दूसरे राज्य तैयार हों तो सभी को भेजा जा सकता है घर। इसलिए वहां पे आप अलाउ कर सकते हो, तो यूपी में 200-250% भेजी, वहां पे हमारे छात्र जा चुके हैं। लॉकडाउन में भी नहीं रुक रहा है मजदूरों का पलायन, अलीगढ़ में रेलवे लाइन पर बिहार के कटिहार जाते दिखे मजदूर। यूपी के संभल में लॉकडाउन के दौरान चल रही फैक्ट्री के मालिक पर केस दर्ज, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने का आरोप। किसानों की मुश्किल दूर करने में जुटी हरियाणा सरकार, कल से शुरू करेगी गेहूं की खरीदारी। मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है गेहूं की खरीदारी, जबलपुर में करीब 150 समितियां काम में जुटी। महाराष्ट्र में नासिक में आमों के किसान परेशान, लॉकडाउन में मंडियों के काम ना करने से नहीं मिल रहे ग्राहक। भुवनेश्वर के मकान मालकिन ने दिखाई दरिया दिली, 7 किरायेदारों का 1 महीने का किराया किया माफ। यूपी के आजमगढ़ में लॉकडाउन पर रात को संदेश देते वॉरियर, सड़कों पर पेंटिंग के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील की। वाराणसी से नांदेड़ जा रहे 50 श्रद्धालुओं को वासिम में रोका गया, लॉकडाउन के दौरान निजी बस से कर रहे थे वापसी का सफर। डॉक्टर ने की खुदकुशी, डॉक्टर ने सुसाइड नोट में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जायसवाल को बताया जिम्मेदार। डॉक्टर रजिंदर के परिजनों ने फोन पर धमकी का एक ऑडियो भी पुलिस को सौंपा, विधायक जायसवाल की आवाज होने का दावा। प्रकाश जायसवाल पर दर्ज हुआ खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप, विधायक ने खुद को बताया बेकसूर। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, सांसद रमेश विधूड़ी ने जायसवाल का मांगा इस्तीफा। लुधियाना के एसीपी अनिल कोहली की कोरोना संक्रमण से मौत, अपोलो अस्पताल में भर्ती थी एसीपी। एसीपी कोहली की पत्नी और ड्राइवर भी कोरोना से पीड़ित, हो रहा इलाज। इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों पर फिर हुआ हमला, विनोबा नगर में चाकू से किया गया वार। एक शख्स ने महिला शिक्षक को मारा थप्पड़, मोबाइल तोड़ा और चाकू से किया वार, बचाव करने आए पड़ोसी भी घायल। टोंक में पुलिस पर हमला करने वालों पर प्रशासन सख्त, पुलिस अधिकारियों ने इलाके में की गश्त। एसटीएफ के जवान भी वज्र वाहन के साथ पहुंचे, आरोपियों के लिए दी जा रही है दबिश, अब तक आठ गिरफ्तार। बाड़मेर में सरकारी कर्मचारी पर महिलाओं के साथ कुछ लोगों ने किया हमला, दोबारा राशन नहीं देने पर मारपीट का आरोप। मध्य प्रदेश के जमुनिया में पुलिस ने 10 मजदूरों को छुड़ाया, लॉकडाउन के बीच बंधक बनाकर मिल में काम कराए जाने का आरोप, केस दर्ज। तमिलनाडु के तिरुपुर में ड्रोन से लॉकडाउन की निगरानी, लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों में दिखा पुलिस का खौफ, ड्रोन देखकर कैरम खेल रहे लोग भागे। तिरुपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन, गलियों में भी ड्रोन देखकर भागे लोग। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के दावों की खुली पोल, बठिंडा में जलकर्मियों और सफाई कर्मियों ने वेतन के लिए किया प्रदर्शन। कोरोना वायरस से यूरोप में अब तक 1,00,000 से ज्यादा की मौत, 11,36,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। पूरी दुनिया में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,57,163, यूरोप में सबसे ज्यादा 11,36,000 से अधिक लोग संक्रमित।
स्पेन में 9 मई तक बढ़ेगा लॉकडाउन, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का बयान। फ्रांस में कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 632 लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 19,323 तक पहुंचा। पिछले दो हफ्ते में पहली बार न्यूयॉर्क में एक दिन में 550 लोगों से कम की मौत, 24 घंटे में 540 लोगों की गई जान। अमेरिका में कोरोना वायरस का एपी सेंटर है न्यूयॉर्क, अब तक 1,22,148 कन्फर्म किए, 7,890 से ज्यादा की मौत। ब्रिटेन में कोरोना से मौत के मामलों में फिर तेजी, 24 घंटे में 888 लोगों की जान गई, मरने वालों की तादाद 15,664 तक पहुंची। लॉकडाउन से सूना नजर आया टर्की के इस्तांबुल शहर, टर्की में कोरोना वायरस से अब तक 1,769 लोगों की मौत। स्विट्जरलैंड में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता का प्रदर्शन, मैटरहॉर्न पहाड़ पर दिखाया 1,000 मीटर का तिरंगा। तिरंगे के साथ सद्भाव लिखा नजर आया, साथ ही बांसुरी पर बज रही थी वैष्णव जन के भजन की धुन। दिल्ली एनसीआर में शाम ढलते ही जोरदार तूफान, तेज हवाओं के साथ आंधी बारिश के साथ कई इलाकों में गिरे ओले। आंधी बारिश और तूफान के बाद दिल्ली एनसीआर में पारा गिरा चिलचिलाती गर्मी से राहत। नोएडा में भी तेज आंधी के साथ आई बारिश, तेज आंधी में सड़क किनारे लगी होड़ी उखड़ी। तेज आंधी तूफान में कई जगह पेड़ उखड़े, सड़क पर पेड़ गिरने से गाड़ियों को नुकसान। यूपी के लखीमपुर में आंधी बारिश के साथ ओले गिरे, पारा लुढ़का, फसलों को भी नुकसान। तेज आंधी में पाकिस्तान के गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दो गुंबद धराशायी, सीमेंट और लोहे के बदले हुआ था फाइबर का इस्तेमाल। पाकिस्तान ने दिया गुंबदों की तुरंत मरम्मत का भरोसा, 48 घंटे में पूरा होगा काम। मुजफ्फरपुर में भी आंधी के बाद जोरदार बारिश, आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की मौत, दो घायल। यूपी के भदोही में बिजली गिरने से एक शख्स की मौत, दो लोग झुलसे। रायबरेली में बिजली गिरने से गई 11 साल के बच्चे की जान, 13 साल का उसका साथी झुलसा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।